आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी लोग। व्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आई थिंक अभी 3:30-4 का टाइम हो रहा है और आज मैंने एक्चुअली काफी ज्यादा लेट शावर लिया है, बट मतलब मैंने आई थिंक कितने आज 12 बजे के बाद ओके सो यस, अभी मैं थोड़ा सा काम में अपने बिजी थी, मैं सुबह से इसलिए व्लॉग को स्टार्ट नहीं करा था। सर सब कुछ खाना पीना वगैरह खाकर ये लोग चले गए थे, लंच वगैरह हमने करा दिया था, उसके बाद में आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और मैंने अभी कुछ खाया नहीं है। तो चलो दिखाती हूँ मैं किचन में कि आज हमने क्या बनाया। एक्चुअली आज 2 चीजें बनाई हुई हैं और चपाती बनाई है बस। तो किचन में चलते हैं और खाना खाते हैं, उसके बाद में आज मदर इन लॉ को जाना है ऑफिस में, तो मैं आज घर फिर से अकेली रहूंगी, ठीक है। और इसके बाद में अपनी फ्रेंड को बुला लूंगी अगर वो आ जाएगी तो, क्योंकि जब माँ जाएंगी अभी थोड़ी देर बाद तो वो शाम को ही आराम से आएंगी। आज हमें जाना है मार्केट, वो कह रही थी कि कुछ सामान वगैरह लेना है, तो हम लोग काफी दिनों बाद मार्केट जाएंगे। और हाँ, आज पतिदेव ने बोला था कि कल हम लोग मार्केट चलेंगे, तो आज भी आई थिंक कल मार्केट जाएंगे, कल भी जाएंगे, दोनों में मार्केट चलेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया गाइज। मतलब जो शॉपिंग होती है ना ढेर सारी वाली, वो नहीं करी है, क्योंकि मैंने तो बीच बीच में करी बट इन्होंने नहीं करी। इन्होंने लास्ट ईयर टगरी वाली शॉपिंग करी थी, जो हम लोग विंटर्स में कहाँ घूमने के लिए गए हुए थे, जैसे मैंने बताया था उदयपुर वगैरह घूमने के लिए गए थे। सो यस, तब और अब इनको शॉपिंग करनी है तो हम लोग चलेंगे, तो उसका ब्लॉग भी हम आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल आज का ब्लॉग शेयर करते हैं, आई होप आपको पसंद आएगा। तो अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर के टाइम में ना आज मैं बहुत दिनों बाद टीवी देखने के लिए बैठी हूँ। एक्चुअली क्या है ना, खाना खाते टाइम जब लॉकडाउन था ना अपने टाइम पे, एक्चुअली मैं कह रही लॉकडाउन जब हुआ करता था, ऐसा कुछ मैं बोल रही थी, सॉरी। सो जब लॉकडाउन था, कोरोना वायरस चल रहा था, उस टाइम पर हम लोग कितना फ्री रहते थे ना, तो उस टाइम हम टीवी देख कर ही खाना खाते थे। बट अभी बहुत टाइम से मैंने टीवी भी नहीं देखी, तो मैंने कहा चलो आज टीवी देख कर खाना खाते हैं, तो वही देख रही थी मैं। और ये अभी आया नहीं है, का वेट कर रही हूँ मैं। और आज मैंने ये डाला हुआ है सिंपल सा प्लाजो और टॉप। ये आ गए हैं ऑफिस से और इनको पता नहीं कि मैं ऊपर से शूट कर रही हूँ। पता चल गया। देखो यहाँ पे कौन बैठा है। तो अभी बज गए हैं शाम के 5 और मैं ना अभी पहनने जा रही हूँ सॉक्स, क्योंकि मुझे पैरों में बहुत सर्दी लगती है इसलिए। नेक्स्ट वीडियो ना मेरा आएगा मेकअप कलेक्शन का, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कमेंट करना। हाँ अच्छा है लाइट, इस वाली में अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, फिर वो है। एकदम से ना सारे घर की लाइट ही कुछ बल्ब वगैरह चले गए थे, तो वही चेंज करवा रहे। ये सब कंपनी की है ना। तो अभी हो गया है शाम के टाइम और हम लोग आए हैं मोमोज अड्डा, आई थिंक गोविंदपुरी में है। और मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, एक्चुअली उनकी फ्रेंड भी साथ में है, तो हम तीनों लोग आए हैं शाम के टाइम में। सर्दी थी और हमने कहा कि चलो गर्मा गर्म मोमोज खा के आते, ऐसा कोई प्लान नहीं था बट अचानक से बन गया, तो इसलिए तो हम लोग यहाँ पर खाने के लिए आए। उसके बाद में ना गाइस हम बर्गर बॉडी भी जाएंगे, तो बस हमारा फुल टू फुल घूमना फिरना आराम से हो गया था शाम के टाइम में, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। तो ये भी है ना कि कई लोग सोचते हैं कि मैं रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाती हूँ, मैं रोज़ रोज़ कहीं बाहर जाती हूँ, तो ये आपकी गलत फहमी है। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ही मैं मोस्टली व्लॉग को शूट करती हूँ। हाँ हम लोग जाते हैं घूमते फिरते, बाहर का भी खाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं खाते, बट हाँ रोज़ रोज़ नहीं खाते, बट जब भी मैं जाती हूँ तभी मैं एक्चुअली व्लॉग शूट करती हूँ और डालती हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं रोज़ रोज़ जा रही हूँ, तो ये कन्फ्यूज़न था थोड़ा सा, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ कि भाई ऐसी बात है। और हाँ जंक फूड बर्गर वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा खाना कम कर दूँ ये। और थोड़ा सा मैंने इसलिए बोला कि धीरे धीरे करके तो सारी चीज़ें कम होती है ना, सो इसलिए। तो यस, और मुझे अभी जल्दी से वेट लॉस भी करना है, हालांकि मैं देखो बर्गर खाते हुए फिंगर चिप्स खाते हुए भी मैं चीज बोल रही हूँ जो कि लाजमी नहीं है, बट हाँ कोशिश करेंगे। तो गाइज मैं सुबह मिलती हूँ आपसे, रात बहुत हो गई। गुड मॉर्निंग गाइज, बाहर बहुत जोरों की सर्दी को देखो मैंने
स्वेटर पहन के रखा है सुबह सुबह से, क्योंकि आपको पता है ये स्वेटर है ना, आप शिमला मनाली में भी स्वेटर पहन लोगे ना तो भी ये मतलब वहां पर भी काम करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही साथ देखो मैं सुबह सुबह से क्या खा रही हूँ, चाय है, ब्रेड है, बिस्किट है, एक्चुअली एक ही ब्रेड है, तीन बिस्किट है और थोड़ी सी चाय है, ठीक है। तो मैं इसको डिप डिप करके खाने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं चाय कॉफी वगैरह कुछ लेती नहीं हूँ, बट थोड़ा सा मन कर रहा था मेरा सुबह सुबह से, तो मैंने कहा कि चलो चाय में बिस्किट डालकर खाते हैं, अच्छा लग रहा है। आप पता है तो मैं मीठे बिस्किट डाल के खाती हूँ मैं चाय में, और सुबह सुबह से अभी मेरे को जाना है, थोड़ा सा ये खा लेती हूँ, उसके बाद में मैं नहाने के लिए जाऊंगी, पूजा करूंगी और फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है या लंच में क्या बनाना है वो सारा कुछ। चाय का कप छोटा पड़ रहा है, ब्रेड बड़ी पड़ रही है, इसलिए कुछ इस तरीके से हम इस ब्रेड को तोड़ लेंगे और उसमें डिप कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम कैंडी की तरह से खाएंगे। अभी ऑर्डर आ गया है कि हमको खाना है गर्म गर्म पोहा, सो खांसी की आवाज आ रही है ना, ये खांस है। हम लोग कल रात में ना बाहर घूमने के लिए गए थे, आधी रात तक कहाँ गए थे घूमने के लिए, एक तो मुझे जगह नहीं पता है, मेरे को कॉलेज में रहते 3-4 साल हो रहे हैं, कुछ भी याद नहीं रहता मुझे, बट हाँ तो मैं जा रही हूँ पोहा बनाने के लिए। आज आए नितेश भैया जो हम लोग साथ में लखनऊ गए थे, अगर लखनऊ वाले अपने ब्लॉग्स नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देखो, वैसे आप सभी लोगों ने देखे ही होंगे। तो मैं जा रही हूँ पोहा बनाने के लिए, तो अपना फोन लगाती हूँ चार्जिंग में और जल्दी से सामान कट करती हूँ, बनाती हूँ गर्म गर्म पोहा। प्राडो को क्या चाहिए, प्राडो पता है मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, किसी को पता है क्या, किसी को पता है क्या? ब्रेड के लिए आ रहा है, इसको ब्रेड खानी है, आए हाय देखो कितनी पसंद है इसको ब्रेड। अच्छा बेड दबा के कहाँ भाग रहे हो? अच्छा अभी हम बैठेंगे, अभी हम आराम से खाएंगे, है ना, ये देखो। ओके तो मैं आपको अब 1 आवर बाद मिल रही हूँ, 1 घंटे मैंने अपना बहुत सारा काम निपटा लिया। एक्चुअली हमने ना जो लंच है वो भी प्रिपेयर कर लिया है, चपाती सेकनी है, तो जब कोई आएगा दोपहर के लंच के टाइम में तब हम सेक लेंगे। और जस्ट मैंने लोशन लगा के और बैठ गई थी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, देखो मैंने जैकेट डाली, कुर्ती पहनी हुई है अंदर से, जैसे यार नेल पेंट अच्छा लगता है ना ये कलर, और ये ठीक मतलब अच्छी भी निकली, जल्दी छूटी भी नहीं है नेल पेंट। और इसके बाद में गाइस आप लोग के लिए बहुत एक अच्छा सरप्राइज आने वाला है, जो कि मैं आगे आने वाले व्लॉग में आपके साथ में शेयर जरूर करूंगी, तो वीडियो के साथ साथ आप लोग बने रहिएगा, इस वीडियो के नहीं क्योंकि इस वीडियो को तो फिलहाल मैं थोड़ी देर में एंड कर दूंगी, और आई थिंक इसका नेक्स्ट व्लॉग या उसके नेक्स्ट व्लॉग बाद में कोई तो सरप्राइज आने वाला है, और आई होप कि आप लोग को वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा, सच में आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे उस चीज के लिए, अगर आपको पता होगा तो आप लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ, बट वो एक सरप्राइज है सभी लोगों के लिए, तो यस वेट जरूर करेगा मेरा व्लॉग का, जो इसका नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें तो नहीं, बट उसके बाद जो व्लॉग आएगा आई थिंक उसमें मैं जरूर शेयर करूंगी। तो बस यही है, और ये जा चुके हैं ऑफिस और सारे काम से हम लोग एक्चुअली फ्री हो गए हैं, अब मैं पूरे दिन भर आराम से रेस्ट करूंगी, क्योंकि जब सुबह सुबह का ही एक्चुअली टाइम होता है जब मैं बिजी रहती हूँ, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मुझे अपनी वीडियोस की एडिटिंग करनी है, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा मैं बिजी हो जाऊंगी इस वजह से, और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को अभी ही एडिट करके डाल दूंगी शाम तक आई थिंक आपके पास में ब्लॉग पहुंच जाएगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है तो। उसके बाद में अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टा पे शिवी लाइफस्टाइल के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, और जाकर मैं थोड़े प्राडो के साथ में घूमूंगी, प्राडो के साथ में एक्चुअली मैं व्लॉग्स वगैरह इसलिए शूट करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग हैं आई थिंक पूजा नाम करके हैं, तो उनको भी मेरे प्राडो के व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी मैं उसको दिखाती नहीं हूँ ना तो वो लोग बोलते हैं कि आपने प्राडो को प्लीज क्यों नहीं दिखाया, आपने प्राडो को नहीं दिखाया, बहुत दिनों से नहीं दिखाया,
तो वो भी ऐसा हमारा फैमिली मेंबर ही है, उसके साथ में मैं आराम से खेलती रहती हूँ, मस्ती करती रहती हूँ। बहुत स्वीट है वो, बहुत सीधा साधा है। और डॉग इसके जैसा नहीं है हमारे घर में ना, जब भी कोई लोग आते हैं वो बहुत डर जाते हैं कि अरे आपके तो सारे डॉगी है, बट काटते नहीं है वो लोग, सीधे साधे से डॉगी है। तो चलो बातें बहुत ज्यादा हो गई, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, नहीं तो ये ब्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।